जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, टाइम आपका 8:15 बज गई है, 8:15 AM, और आज 22 तारीख है, 22 नवंबर 2021, सोमवार का दिन है। आज हम 3 दिन की छुट्टी के बाद मार्केट फिर से रीओपन होगा, और आपको SGX निफ्टी दिखा देता हूँ। यहाँ से SGX निफ्टी 17787 दिखा रहा है, यानी कि 80 पॉइंट जो SGX के हिसाब से, अगर हमारा अभी भी ये 10 पॉइंट माइनस दिखा रहा है, क्योंकि 17792 फ्यूचर्स में बंद हुआ था थर्सडे को, जो आपको याद होगा। तो टेक्निकली अभी भी ये माइनस में है, लेकिन फ्लैट हो गया लगभग। तो ये यहाँ लाना इसका कारण था, क्योंकि एक फिर गैप डाउन ओपनिंग मानी जाती अगर नीचे खुलता। तो पर्सनली मुझे लगता है ठोको वाला लोगो यहाँ पे, ठोको वाला बयान या नारा यहाँ पे चलेगा, जहाँ बढ़ता है उधर ठोको। इसलिए बोल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि मार्केट में सारा स्ट्रक्चर बिगड़ चुका है। दोस्तों, बैंक निफ्टी अपने 100 EMA की तरफ अप्रोच कर रहा है, 100 EMA की तरफ, 50 EMA के नीचे तो क्लोज कर ही चुका है। निफ्टी भी अपने 50 EMA पे जस्ट लो बना के थोड़ा सा बाउंस किया था, लेकिन मुझे नहीं लगता वो सस्टेन करेगा। तो बैंक निफ्टी एक पायदान ज़्यादा नीचे है निफ्टी से। निफ्टी अपने 50 EMA को टच करके ऊपर आया था थोड़ा सा, और बैंक निफ्टी अब अपने 50 EMA के नीचे आराम से क्लोज कर रहा है। तो अब ये 100 EMA जो कि इसका 37250 के करीब है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है अभी, तो वहाँ तक तो आराम से जाएगा। तो ये मंथली एक्सपायरी का वीक भी है, इस थर्सडे को मंथली एक्सपायरी भी है। तो इस वीक में ऐसा नहीं है कि सीधा सीधा गिरावट ही आएगी, थोड़ा बहुत पुल बैक आएगा, लेकिन वो सेलिंग का अपॉर्चुनिटी है। मैं तब सेलिंग की बात नहीं करूँगा जब निफ्टी 17950 के ऊपर स्पॉट में यानी कि कैश मार्केट में क्लोजिंग कर देगा, 17950। बस आप इस फिगर को दिमाग में रखिए। मेरा ऐसा मानना है कि 18010 के करीब, 18010 के ऊपर की क्लोजिंग दिसंबर तक भी नहीं आएगी। ये मेरा पर्सनली मानना है भाई, है ना, आप इस पे पूरा दारोमदार मत लगा दीजिएगा। 18010 के ऊपर की क्लोजिंग दिसंबर महीने तक भी नहीं आएगी, यानी कि मार्केट वीक है। अच्छी खबर में ब्रेंट क्रूड ऑयल 78 के नीचे आ गया है, $78, बहुत अच्छी खबर है हमारे इंडिया के हिसाब से, क्योंकि हम सबसे बड़े, बहुत बड़े इंपोर्टर है क्रूड ऑयल के। तो हमारे लिए क्रूड का भाव गिरना जरूर अच्छी बात है, लेकिन FIs को देखो दोस्तों, ऐसा लग रहा है सेल करने की झड़ी लगा दी है, जैसे कोई दिवाली में हम लड़ी बम फोड़ते हैं ना, एक के बाद एक टट 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 कर बजता है, वैसे ही इनका अक्टूबर से चालू हुआ सिलसिला अभी तक चल रहा है। अक्टूबर में इन्होंने 25,572 करोड़ की सेलिंग की थी, 25,572 करोड़ की नेट सेलिंग की थी अक्टूबर में, और इस महीने में टिल थर्सडे 9,999 करोड़ की सेलिंग हो चुकी है। तो मोटा मोटा अगर हम आंकड़ा बिठाए तो 35,000 करोड़ से ऊपर की सेलिंग अक्टूबर 1 से लेकर अभी तक हो चुकी है, नेट सेलिंग 35,000 करोड़ की। तो भाई साहब, इट इज नॉट एट ऑल लुकिंग गुड। जिनको तेजी का कीड़ा लगा हुआ है उनको तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि 17500 तो बिल्कुल इस वीक में आपको दिखना ही है, 17500 ये लिख लीजिए आप। ठोकना कब है, 850 का लेवल दिखे स्पॉट में ठोक दीजिए, 900 पे दिखे, 900 से 950 तो बेस्ट सेलिंग जोन है, 900 से 950 अगर किसी भी कारण से दिखता है स्पॉट में तो बिंदास शॉर्ट मारने की मैं सलाह देता हूँ, लेकिन फिर भी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से, जो कि सेबी रजिस्टर्ड हो,
उससे सलाह लेके ही अपने ट्रेड्स इनिशिएट करिएगा। सऊदी अरामको और रिलायंस की जो डील थी उसमें दोनों ने अपने अपने कदम पीछे हटा लिए, तो रिलायंस के लिए अच्छी खबर तो इसको नहीं बोलूँगा मैं, शॉर्ट टर्म में थोड़ी गिरावट भी दिख सकती है तो उस पर भी ध्यान रखिएगा। बैंकिंग पूरा वीक है लेकिन मैं स्पेशली थोड़ा सा SBI अभी भी अपने 10-20 सब मेंटेन कर रहा है। अदर देन SBI, बैंकिंग का जो 12 स्टॉक का पैक है जिससे बैंक निफ्टी चलती है, सब में बियरिशनेस कायम है। निफ्टी 50 में अगर मैं देखूं एक स्टॉक जो अगेंस्ट द मार्केट चल सकता है अगर गिरावट भी आती है, दैट विल बी हिंदुस्तान यूनिलीवर। लेकिन वो भी तब जब वो 2370 को क्लोजिंग बेसिस बचा ले, 2370 के नीचे अगर क्लोज नहीं करता है स्पॉट में तो हिंदुस्तान यूनिलीवर अलग चाल चलेगा मार्केट के अगेंस्ट, ये मेरा मानना है। हिंदुस्तान यूनिलीवर ठीक है, तो एक स्टॉक में बाई का, लेकिन उसमें छोटा सा स्टॉप लॉस है 2370 के नीचे की क्लोजिंग। अभी कुछ 2395 वगैरह चल रहा होगा मेरे ख्याल में कैश में, 1995, तो छोटा सा स्टॉप लॉस बोला 20-30 पॉइंट का ही क्लोजिंग बेसिस, लेकिन इंट्राडे नहीं क्लोजिंग बेसिस, और 2500 तक तो मुझे आराम से जाता हुआ दिख रहा है, 2555 भी आ सकता है, अभी 2400 के नीचे खड़ा है। तो ये एक स्टॉक में मुझे अच्छा लगता है मंदी के बावजूद भी, और बाकी मैं कोई भी बाई करने की सलाह इस समय नहीं दूंगा, नॉट इवन TCS ऑल्सो, क्योंकि TCS ने भी 3576 पे एक रेजिस्टेंस शो कर दिया, 3575 के आसपास, तो जब तक उसके ऊपर की क्लोजिंग नहीं आती मैं TCS में बाई नहीं करूँगा, तो मैं बाई की एंट्री उसमें तभी लूँगा, वरना TCS एक मेरा सेकंड स्टॉक था। तो बस यही है बाई के लिए मेरे, यही है। और बैंकिंग में सिर्फ SBI स्ट्रांग है लेकिन तब तक ही स्ट्रांग है जब तक 465 के ऊपर बचा हुआ है, अभी तो अभी 500 के ऊपर है लेकिन 465 उसका एक लेवल है जिसके ऊपर जब तक वो है तब तक SBI को मैं बियरिश नहीं बोलूँगा, ठीक है। और बाकी सबकी आप देख ही रहो कैसे दे धनादन दे धनादन दे धनादन पिटाई हो रही है, तो कुछ भी मुझे अच्छा नहीं दिख रहा। मैं तो इंतज़ार करूँगा कि जो फ्राइडे की थर्सडे की क्लोजिंग आई उससे 100 पॉइंट निफ्टी कहीं पे भी मुझे प्लस दिखे। फ्राइडे थर्सडे की क्लोजिंग थी 764 स्पॉट में, तो सपोज 870 860 दिखे मुझे तो मैं बिंदास शॉर्ट करूँगा पर्सनली। और ये शायद पहली निगेटिव मंथली क्लोजिंग होने के भी आसार है, बहुत दिन हो गए निगेटिव क्लोजिंग नहीं हुई मंथ में। अक्टूबर की क्लोजिंग कहाँ पे थी, 17600 या 700 करीब थी मेरे को जहाँ तक याद है, एग्जैक्ट फिगर तो मुझे देखना पड़ेगा अक्टूबर का, अभी तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो 17600-700 थी, तो उसके आसपास आ चुके थे। ये पहला चांस है कि मार्केट एक निगेटिव मंथली क्लोजिंग भी दे, और ये सिग्नल है कि मार्केट इज चेंजिंग हैंड्स। चेंजिंग हैंड्स मतलब जो बुल्स बड़े कंफर्टेबली बैठे हुए थे इतने दिन, इतने कई महीनों से बड़े आराम से बैठे हुए थे, अब उनकी कुर्सी थोड़ी खिसक सकती है, और बीयर्स की कुर्सी जो है वो स्ट्रांग हो सकती है। अब आजी इतनी चीज़ों में मैंने एक चीज़ और नहीं बताई आपको, पुट कॉल रेशियो स्टार्ट ऑफ द वीक इस वीक का जो स्टार्ट होगा आज मंडे को 0.88 पे ओवरसोल्ड पे है, लेकिन मेरा मानना है कि पिछले मैं 25 दिन से देख रहा हूँ कि पुट कॉल रेशियो को तो आप 1.20 के ऊपर ही नहीं जाने दे रहे, है ना, जबकि पिछले 3-4 महीने को अगर आप देखो इसके पहले का टाइम तो 1 के नीचे ही नहीं आ रहा था, तो इट शोज देर इज ह्यूज वीकनेस। अब आ जाइए एक और बात बोल देता हूँ, मेरा नंबर पहले आप नोट कर लीजिए, व्हाट्सअप किस पे करना है आपको, 9635476788 पे आपको अपनी फ़ोटो, नॉर्मल फ़ोटो सेल्फी, आपके आधार कार्ड पैन कार्ड नहीं चाहिए, और अपना नाम और अपनी सिटी का नाम व्हाट्सअप करना है,
अगर आप 18 तारीख से जो मेरी वेबिनार स्टार्ट हो रही है 3 महीनों के लिए, 31 मार्च तक चलेगी, 18 दिसंबर से स्टार्ट होगी और 31 मार्च तक चलेगी, और आपको जो टेलीग्राम ग्रुप में रखा जाएगा वो 30 अप्रैल तक रखा जाएगा, 18 दिसंबर से लेके, तो ये आपको सुविधा मिलेगी। सब लगभग सारे टॉपिक्स कवर किए जाते हैं और बहुत डिटेलिंग में कवर किए जाते हैं और बहुत आसान भाषा में। किसी को लगता है यार मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे तो मैं हिंदी भी बहुत अच्छी बोलता हूँ और इंग्लिश भी बहुत अच्छी बोलता हूँ, और उसके अलावा भी मुझे 6-7 लैंग्वेज और भी आती है, लेकिन फ़िलहाल मैं इसी की बात करता हूँ। तो ऐसा मत सोचिए, और बिल्कुल जैसे एक छोटे बच्चे को पढ़ाते उस हिसाब से मैं पढ़ाता हूँ ताकि आपके दिमाग में घुसे। अगर आपको स्टॉक मार्केट का एस भी नहीं आता तो भी ये वेबिनार आपके लिए है, तो ज़रूर से ज्वाइन करिए। जो लोग 1 दिसंबर तक ज्वाइन करेंगे उनको 30,000 फीस रहेगी, जो 1 दिसंबर के बाद ज्वाइन करेंगे उनके लिए 35,000 फीस रहेगी, और 31 मार्च तक ये क्लासेस चलेगी। 18 दिसंबर को स्टार्ट हो जाएगी क्लासेस, हर शनिवार रविवार को 2-2 घंटे की क्लास रहेगी, और रिकॉर्डिंग्स भी देते हैं हम, है ना। प्लस आपके ग्रुप में, टेलीग्राम के ग्रुप में इसलिए रखा जाएगा कि जो आप सीख रहे हो उससे रिलेटेड कोई सवाल हो पूछो बिंदास, जवाब मिलेगा। और पूरा वेबिनार ख़त्म होने के बाद भी, 31 मार्च को ख़त्म होने के बाद भी आपको एडिशनल 1 मंथ और रखा जाएगा ग्रुप में, ताकि आपके और भी कोई डाउट्स हैं तो वो भी क्लियर हो जाए। दैट्स इट। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद, लव यू ऑल। और मेरी कोई पर्सनल सर्विस के लिए अप्रोच करते हो तो पहले अपना नाम, सिटी का नाम, अपना नाम, अपना सिटी का नाम पहले डालो, और डोंट एक्सपेक्ट कि मैं आपको एक्सेप्ट कर लूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई दुकान खोल के नहीं बैठा। बहुत लोग, सर मैं तो आपसे सर्विस चाह रहा था, तो क्या हो गया, मैं तुम्हारा फ़ोन नहीं उठाऊँगा फिर भी। ओके, जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।